गाइस आप सब कैसे हो। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो कोई पोस्ट करूंगी तो आपको पता चल जाएगा और आपके आईडी पे चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने आप वीडियो पोस्ट किया है। तो चलिए, फेस वॉश हो चुका है तो स्किन केयर कर लेते हैं। ये है सीरम, ठीक है। तो अभी फिलहाल मेरे पास टोनर नहीं है तो मैं सीरम ही अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे तो फेस वॉश करने के बाद टोनर अप्लाई होता है। टोनर अप्लाई करने करके स्किन को हाइड्रेट किया जाता है। हाइड्रेट करने से आपका जो स्किन है थोड़ा, मतलब मैं हिंदी में समझाऊँ, गीला हो जाता है। तो गीला होने के बाद कोई भी मिट्टी देखते एकदम गीला हो जाता है, तो आसानी से उसको कोड़ सकते हैं। तो वैसे ही आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगा ना टोनर लगाने से। उसके बाद आप सीरम लगाओगे ना तो सीरम अंदर तक इसके फेस में जो ओपन पोर्स है उसके अंदर जाके ही काम करेगा सीरम। तो देखिए कितना जल्दी ड्राई हो गया। तो कोई बात नहीं, मेरे पास वो जो वाटर है गुलाब जल, इसको मैंने टोनर की तरह अप्लाई कर लेती हूँ। मेरा स्किन थोड़ा हाइड्रेट रहे, थोड़ी देर हाइड्रेट हो गया। और इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी थोड़ी देर, इसको दो चार मिनट हाइड्रेट करते हैं। मतलब स्किन को ये जो जितना मैंने गुलाब जल ये सीरम अप्लाई किया है इसको स्किन को सोखने देते हैं, ऑब्जर्व करने देते हैं। उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी, प्राइमर अप्लाई करूँगी। आपके पास सनस्क्रीन है तो वो अप्लाई करिए, उसके बाद भी कोई मेकअप स्टार्ट करिए। तो मेरी स्किन धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा है, मैं जितना मैंने सीरम या गुलाब जल लगाया है। देखिए पॉन्स क्रीम ले लिया मैंने, तो ये गर्मी के लिए था, ऑयल फ्री थोड़ा सा बच गया है। तो इसमें हम बॉडी लोशन थोड़ा मिक्स करके लगा सकते हैं इसमें ठंड के हिसाब से। तो ये देखिए बोरोलिन है, बॉडी लोशन है, ठीक है। इसको मैंने इसमें मिक्स करना है। तो ये मैंने दोनों क्रीम ले लिया है, इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं फेस में इसको लगाऊंगी, इस तरह मैं लगा कर ख़त्म करूँगी, ठीक है। इसको अप्लाई आराम से हो जाएगा। अब देख रहे हैं क्रीम अप्लाई करने समय मेरे स्किन ब्राइटनेट आ रही है, सॉरी मेरे स्किन पे थोड़ा हाइड्रेट आ गया, ग्लोइंग टाइप का दिख रहा है, मेरा ग्लो आ गया है क्रीम अप्लाई करने के बाद। और ब्राइटनिंग भी दिख रहा है, ब्राइटनिंग हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग ऐसे ही आ गया। तो ऐसे ही आप अपने स्किन को केयर कर सकते हो। देख सकते हो मेरा स्किन कैसा दिख रहा है क्रीम अप्लाई करने के बाद। तो ये मेरे पास लिप बाम है, लिप को भी हाइड्रेट कर लेते हैं। थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है नहाने के बाद, नेचुरल शेड आ जाता है। ये लिप का कलर नेचुरल शेड है, देखिए। उसके बाद हम आईब्रो को फिल कर लेंगे एकदम अच्छे से लाइट, किसी को पता भी ना चले। तो अब मेरा स्किन थोड़ा अच्छा लग रहा है, हाइड्रेट लग रहा है। नहीं तो फेस वॉश करने के बाद ठंड में लगता है क्या, खींचा खींचा फेस लगता है। तो ये जो प्राइमर है ना इसको अप्लाई कर लेते हैं, लो बजट वाला ही प्राइमर है। हाँ काट गया, इसको भी एकदम हाथ में मिक्स करके लगाते हैं, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं मास्क। तो ये रहा स्किन केयर का टिप्स, ठीक है। मेरे पास सनस्क्रीन नहीं है तो मैंने नहीं लगाया, आपके पास है तो क्रीम लगाने के बाद आप प्राइमर लगाने के बाद आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। तो ठीक है गाइस, आप इसको जो स्किन केयर किए हो ना इसको थोड़ा 5 मिनट दो कि आपका स्किन को थोड़ा अंदर जा सके, आपका स्किन को हाइड्रेट रखे दिन भर तक। हाँ कम से कम 12 घंटा हाइड्रेट रख सकता है ना इसे जो अप्लाई किया हो, सीरम टोनर क्रीम प्राइमर, तो हाइड्रेट रख सकता है नहीं कम से कम 12 घंटा। 12 घंटा तो रखता ही है, उसके बाद आदमी फिर फेस वॉश कर लेता है तो फिर स्किन केयर करता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।